जो स्ट्रेंथ इसमें है मुझे नहीं लगता ऑफ रोडिंग में इन दोनों में वो स्ट्रेंथ हुई। अरे वाह, ये सुनना था, ये चाहिए हमें। अच्छा मतलब मैं आज दोनों तरफ से पिचकाया जाऊंगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। बिल्कुल आप पिचकाए तीनों तरफ से, यहाँ भी पिचकोगे। अच्छा ऑब्वियसली Isuzu के कंपैरिजन में व्हेन आई गॉट इनटू द कार इट इज वेरी हाई, डेफिनेटली लाइक अ ट्रक लाइक फीलिंग। दीपक ये कह रहे हैं कि इनको दूर से दिख जाता है तो वो अपना रास्ता पहले ही बदल लेते हैं। मुझे कितनी रेट करेंगे इन फ्रंट ऑफ दीपक? बिल्कुल बिल्कुल सर, सामने आमने सामने हो जाना चाहिए ना। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं मोटर बाइट। आज हम आए हैं एक ऑफ रोडिंग जोन में। क्या कर रहे हैं यहाँ पर आपको बहुत जल्दी पता चलेगा। मेरे साथ है तीन ऑफ रोडर्स, एक्सट्रीम ऑफ रोडर्स, Isuzu, गुरखा और महिंद्रा की थार। इस तीनों गाड़ियाँ जो अपने आप में एक लेजेंड्स हैं ऑफ रोडिंग के मामले में, उसका कंपैरिजन वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं। ये वीडियो एंड तक देखिएगा। तीनों ओनर्स हमारे साथ हैं, हर चीज़ हमने टेस्ट की करेंगे इस वीडियो में। एक दूसरे को गाड़ी चलाने का मौका भी देंगे जैसे कि हम अपने प्रीवियस वीडियो में करते आए हैं। ऑफ रोडिंग भी ट्राई करेंगे बिकॉज हम एक ऑफ रोडिंग जोन में हैं। और हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि तीनों गाड़ियाँ, वैसे तीनों गाड़ियाँ अपने आप में बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं, तीनों टॉप हैं, लेकिन इन तीनों गाड़ियों में से अगर आप कोई गाड़ी प्लान कर रहे हैं तो आप अपना प्लान जो है वो अपना मेक श्योर कर पाएंगे कि कौन सी गाड़ी लेनी है। आई वुड लाइक टू इन्वाइट द Isuzu ओनर हैरी। हैरी वेलकम टू द चैनल, हाउ आर यू हैरी? थैंक यू अमन, आई एम गुड। सेकंड गुरखा के ओनर दीपक। दीपक कैसे हैं यार? एकदम बढ़िया। दीपक को आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा। इनफैक्ट ये तीनों ओनर्स हमारे चैनल पे अपने अपनी कार्स का ओनरशिप रिव्यू दे चुके हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे एक एक करके तीनों वीडियोस आ जाएंगे। थर्ड कार हमारे पास है महिंद्रा थार। तीनों गाड़ियों को पहचान की जरूरत नहीं है। अखिल हमारे साथ है। सो हमारी एक इनवाइट पर तीनों ओनर्स हमारे पास आए। वेलकम टू द चैनल। तीनों को मैं यहाँ पे थैंक्स कहना चाहूंगा कि अपना टाइम निकाल के हमारे चैनल पे वीडियो के लिए आए हैं। स्टार्ट करते हैं तीनों गाड़ियों में से। सबसे पहले Isuzu से, कितने किलोमीटर चल चुकी है और ये कब, कौन सा ईयर ऑफ परचेज है? ये 2018 है एंड इट्स टचिंग 80,000 किलोमीटर्स। ओके, सो ये आपको ऑन रोड कितनी पड़ी थी उस टाइम जब आपने ली थी? 16.5 पड़ी थी ये, लेकिन आज जो इसका प्राइस है वो एक नेक्स्ट लेवल है, ऑलमोस्ट डबल के बराबर है। तो यू आर अ लकी बायर जो आपने इतने अच्छे प्राइस में इस कार को लिया। यस, आई इन्वेस्टेड एट द राइट टाइम। यू इन्वेस्टेड एट द राइट टाइम। स्टॉक्स में भी करते हैं? बिल्कुल, बहुत ज्यादा। सो सेकंड गुरखा ओनर दीपक। दीपक आपकी ये मेरे ख्याल से जनवरी मॉडल है। सो लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था, ये लास्ट ईयर एंड में लॉन्च हुआ था। अच्छा, आपने कब परचेज किया था? मैंने परचेज किया मार्च में, 19th ऑफ मार्च। सो मार्च दिस ईयर ओनली आपने ये गाड़ी कितनी चला चुके हैं? 11,000 होने वाला है। 11,000, तो इन्होंने काफी ट्रिप्स जो है ऑलरेडी इस कार पे किए हैं। इनका अपना चैनल है, उस पे आप वीडियोस देख सकते हैं, बूट्स ऑन रूट्स पे। करेक्ट। अखिल, ये कार आपने कब परचेज की थी, कितनी चला चुके हैं? 2020 दिसंबर और 30,000 किलोमीटर कर चुके हैं। 30,000 चला चुके हैं ऑलरेडी। हमारा वीडियो आ चुका है जो कि काफी हिट रहा था। इनफैक्ट तीनों वीडियोस हमारे काफी अच्छे व्यूज के साथ चैनल पे हैं। वीडियोस को जरूर चेकआउट कीजिए इस वीडियो के बाद। तीनों से अब ये बात करते हैं कि ऑफ रोडिंग किस किसने ट्राई की है आप दोनों में, और हैरी आपने ऑफ रोडिंग ट्राई की है? एक्सट्रीम लद्दाख एंड स्पिति, बोथ आर प्रोबब्ली वन ऑफ द मोस्ट एक्सट्रीम टेरेन्स। उसके अलावा ज्यादा टफर टफ कौन सा लगा आपको टेरेन्स? आई थिंक स्पिति वाज लिटिल टफर, देयर आर पॉकेट्स जो थोड़े टफ हैं। लद्दाख आई फेल्ट वाज लिटिल इजीियर देन बिकॉज़ ऑफ वो काफी लोग वहां जाते रहते हैं। काफी लोग जाते हैं एंड लद्दाख में रोड्स बन चुकी हैं तो इट्स मच इजीियर। अखिल आपसे अगर पूछे तो मैंने मनाली में ट्राई की थी ऑफ रोडिंग। इधर मैं आप पहली बार लेकर आया हूं यहां पर मजा आने वाला है। जो स्ट्रेंथ इसमें है मुझे नहीं लगता ऑफ रोडिंग में इन दोनों में वो स्ट्रेंथ हुई। अरे वाह, ये सुनना था, ये चाहिए हमें, यही चाहिए था। अखिल गॉट द नर्व, अखिल गॉट द नर्व कि क्या सी ऑन द रोड। ओके, अच्छा दीपक तुम्हारे साथ तो यार बड़ी बातें करनी है, पकड़ो माइक पकड़ो यार। अच्छा मैं आज दोनों तरफ से पिचकाया जाऊंगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। बिल्कुल आप पिचकाए तीनों तरफ से, यहाँ भी पिचकोगे। अच्छा, आपने थार के बारे में बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बोली है वीडियो में, है ना? एक साल और रुक जाओ या डेढ़ साल और रुक जाओ, आपको दुनिया भर की सेकंड हैंड बिकती हुई दिखेंगी। और वो थार लेता है शौक के पर्पस से, ठीक है? और वो ऐसी गाड़ी है इसके सिर्फ दो ही बंदे बैठे तभी ठीक है। अभी जस्ट थोड़े दिन पहले ही आया है, वो वीडियो देखिएगा आज। हाँ, क्या कह रहे थे आप दीपक थार के बारे में? थार के बारे में बस ये कह रहा था कि वो एक साल के बाद सेकंड हैंड बिकती दिखेंगी आपको। दैट इज वेरी ट्रू, क्योंकि अभी जितने लोग है ना, मतलब मेरे हिसाब से दूर हो जाओ भाई, हो सकता है मतलब मैं गलत भी हूँ, लेकिन अभी जो हो रहा है सिर्फ शौक के लिए और शोशाबाजी के लिए ली जा रही है, किसी को एक्चुअल पर्पस नहीं पता थार का एक्चुअली। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, वो उनको पता होगा, वो इसलिए उन्होंने लिया है। मैं आपको 25-30 सालों से चल रही है यार थार तो, अरे नहीं कर दिया और गाड़ी तुम कह रहे हो चलेगी नहीं। अरे मैं कुछ और बोलना चाह रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे हो। मैं बोल रहा हूँ कि जो लोग आजकल परचेज कर रहे हैं, जिनका सिर्फ और सिर्फ रोड पे चलाने का पर्पस है, मेरे हिसाब से रोड पे चलाने के लिए तो नहीं है बिल्कुल भी। फिर कहाँ चलाने के लिए?
जो जिस चीज के लिए बनी है उसी के लिए वो तो हम अपने जोर आजमाइश पूरी देख ही लेंगे कितना दम किसमें है। अच्छा तो ठीक है, आज दीपक आपके पास पूरा चांस है अपनी गाड़ी को बेटर प्रूव करने का। तो यहाँ पर हम लोग अब क्या करेंगे, हम एक दूसरे को एक दूसरे की कार्स को चलाने का मौका देंगे और सो दैट कि वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकें। हम देंगे दीपक को मौका, कौन सी गाड़ी चलाने का दे, थार चलाने का दे देते हैं, जो मर्जी जैसे मर्जी आपको थार चलाने का मौका देंगे। आर यू रेडी बडी? यस। अखिल को मौका देंगे हम लोग Isuzu चलाने का। ऑल सेट अखिल भाई? ऑल सेट सर, देयर यू गो। और हमारे भाई हैरी को मौका देंगे गोरखा चलाने का। थोड़ा ध्यान से चलाना प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम सबसे पहले ड्राइव पे चलेंगे थार पे एंड ड्राइविंग दीपक विल बी ड्राइविंग थार। सो दीपक, जो सबसे पहले गाड़ी में बैठते ही आपको फील आता है, जिसको हम बात करते हैं कैबिन के फिर फील आता है कंपेयरिंग विद योर ओन कार गोरखा, तो कैसा है आपका फर्स्ट जो इम्प्रेशन है वो कैसा है? तो जैसे मतलब मैं इसमें आगे बैठा हूँ अभी, तो सबसे पहले इम्प्रेशन तो वही है कि मतलब मेरे को उसकी हैबिट हो गई है और वो बहुत ज्यादा अंदर से खुली डुली है, तो इसका कैबिन बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट लग रहा है मेरे को। ठीक है, बाकी अभी आगे चलाते हैं तो फिर देखते हैं कैसे पता चलेगा। चलिए ठीक है। जैसे कि विंडस्क्रीन का मेरे को यहाँ से दिख रहा है, उसके अंदर थोड़ा बेटर विजन है, इसमें थोड़ा सा उतना बेटर नहीं है, तो वो अभी ड्राइव करेंगे तो फिर पता चलेगा कैसे लगता है। ठीक है, तो दीपक ड्राइव स्टार्ट करते हैं। अभी आप ना उसमें बैठ के देखना, मतलब यू विल फील कि जो जैसे कॉम्पैक्ट है ना बहुत, वो तो हम लोग को पता ही है लेंथ और विड्थ में दोनों का डिफरेंस है। तो वो आपको डिफरेंस एक्चुअली मतलब बहुत ज्यादा फील होगा जी। जैसे अभी मैं इसमें बैठ के देख रहा हूँ और उसमें अभी जैसे मेरे पैर यहाँ पे दोनों साइड टकरा रहे हैं, मतलब हाँ, और उसके अंदर ऐसा है ही नहीं कुछ भी, ये भी है। डेफिनेटली थोड़ा सा कैबिन स्पेस की अगर हम बात करें तो गोरखा में एक्स्ट्रा कैबिन स्पेस आपको मिलता है, चाहे अगर आप फ्रंट सीट्स की बात करें या बैक सीट्स की बात करें। बट एज मैं पीछे थार में फर्स्ट टाइम बैठा हूँ, आई सी के काफी कंफर्टेबल है, सच कोई इशू नहीं है। दूसरी चीज, सॉफ्ट टॉप होने की वजह से अखिल ने दोनों जो साइड कर्टेन से उतार रखे हैं, तो इट्स वेरी एयरी, वेरी वेल वेंटिलेटेड, और एक इतने अच्छे वेदर में तो जबरदस्त, अगर आप एक ट्रिप पे जा रहे हैं तो बहुत अच्छा मजा आप उठा सकते हैं इसका। एक्चुअली इसका सबसे बड़ा एडवांटेज मेरे को इसका ये कन्वर्टेबल वाली चीज ही लगती है कि यू कैन एंजॉय द वेदर व्हेन इट्स नाइस, इट्स बेस्ट टू रिमूव द रूफ एंड जस्ट ड्राइव। अगर आप छत के पास हाथ लेके जाएंगे थोड़ा सा आपको वेदर थोड़ा सा हॉट फील होगा, लेकिन कैबिन ये बहुत जल्दी कूल कर देता है। बट टू बी फ्रैंक विद यू, अ कैनवस टॉप इज मोर इफेक्टिव देन द टॉप्स दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, लेट इट बी स्टील, एल्युमिनियम, आयरन, दैट विल ऑलवेज पुल मोर हीट। अखिल का जो प्रीवियस वीडियो था उसमें भी अखिल ने ये चीज कवर की थी, इनफैक्ट हमने ये चीज फेस करी है जब हमने एक और थार का ओनरशिप रिव्यू किया था, तो ये एक साउंड जनरेट करती है जब आप 70 क्रॉस करते हैं, एक फ्लिपिंग साउंड रहती है जो थोड़ी सी अनोइंग होती है कि आपको उसके बाद लगता है कि यार स्पीड स्लो ही कर लो थोड़ी सी। अदरवाइज अखिल ने ही हमें ये चीज बताई थी कि इसका जो कन्वर्टिबल है वो कितने मिनट में जो है वो एक्चुअली वापस कन्वर्ट हो जाता है और आप इसको कर पाते हैं। सो व्हेन आई वांट टू ओपन इट, इट टेक्स अबाउट स्टैंडर्ड, मतलब बड़ी आराम से करूंगा तो 2 to 3 minutes। व्हेन आई वांट टू पुट इट बैक 4 to 5 minutes, बिकॉज जिप लगाने में थोड़ा टाइम लगता है, खुलने में बहुत फास्ट है। दीपक, योर फाइनल थॉट्स अबाउट द ड्राइविंग? नहीं, इट्स वेरी नाइस, बट वही है कि इसका जो ये वाला पूरा कैबिन है, जैसे मैं जब बैठता हूँ अपनी गाड़ी में तो उसके अंदर क्या है कि मेरे को कैबिन ऐसे टच नहीं होता और थोड़ा सा ऐसा कंजस्टेड फील नहीं होता, पूरा ऐसा खुला रहता है, मतलब मैं कुछ भी कर रहा हूँ मेरे पैर यहाँ तक आता है उसका कैबिन, तो बाकी सारा सब कुछ खुला रहता है। तो मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ कैबिन स्पेस में मैं उसको मार्क्स दूंगा, बट पिकअप में इसको मार्क्स दूंगा ऑब्वियसली, एंड प्लस ये ऑटोमेटिक है तो मैं थोड़ा और फ्रीली चला रहा था, बार बार शिफ्ट नहीं करना पड़ रहा, तो वो सब चीजें तो है। थोड़ा सा जो गियर शिफ्टिंग है गोरखा में वो थोड़ी हार्ड है, गोरखा में गियर शिफ्टिंग थोड़ी सी हार्ड है, तो यहाँ पर अगर आपको गियर शिफ्टिंग नहीं करने पड़ रहे तो इट विल मेक योर ड्राइव मोर कंफर्टेबल। सो इफ यू वांट टू गिव पॉइंट्स टू थार, हालांकि बहुत छोटी सी ड्राइव थी लेकिन उसमें अगर आप 10 में से रेट करेंगे तो आप थार को कितना रेट देंगे? 8 देंगे। एंड व्हाट दो पॉइंट आपने डिडक्ट किए हैं, वो उसका क्या, वो किस पॉइंट पे आप कैबिन स्पेस डिडक्ट किए हैं और थोड़ा सा मतलब ये कि
हाइट का थोड़ा सा मतलब मेरे को उसकी आदत होगी, इस वजह से शायद मैं कर पा रहा हूँ। चलिए वो एडजस्टेबल है, वो आप कर सकते थे। हाँ, विंडशील्ड की अगर आप बात करें कि उसका विंडशील्ड वाइड है, ज्यादा बड़ा है, तो वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट हो सकता है, बट सीट एडजस्टमेंट तो यहाँ पे भी आप कर सकते थे। ठीक है, तो हम लोग अपनी सेकंड ड्राइव पे हैं, जिसमें मेरे साथ हैं दीपक, गुरखा में बैठे हैं हम लोग, ड्राइविंग सीट पे हैं हमारे हैरी। हाय। सो हैरी, जबरदस्त लग रहा है यार आज तो बहुत। आपकी कैब बहुत सही लग रही है। थैंक यू। बैरी कैब। अंदर बैठकर किस तरह का जो इसका फील आता है, जो कैबिन का, जो आपको आगे आपकी सीट का फील है, स्टीयरिंग का, डैशबोर्ड का, कैसा आपको एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए? सो ऑब्वियसली Isuzu के कंपैरिजन में व्हेन आई गॉट इनटू द कार इट इज वेरी हाई, डेफिनेटली लाइक अ ट्रक लाइक फीलिंग। आई हैड अ सफारी, तो उस टाइप की फीलिंग आ रही है मुझे कि आप बिल्कुल यू नो यूर सिटिंग अबव एवरीबडी। प्रोबेबली अगर यहाँ पे मैं अगर लाइक अ ऑल्टो या कोई सेडान होगी तो प्रोबेबली वो शायद मुझे देख भी नहीं पाएगा। I think आपको शीशे से बाहर निकल के नीचे शीशे से ऐसे देखना पड़ेगा, यार डूड व्हाट्स अप, नहीं देख पाएगा kind of, और आपको ऐसा फील आएगी कि अगर मैं जरा साइड में गया तो शायद उसको करेगा। हाँ, और जो यहाँ यहाँ जो बैठा होगा उसको तो 100% पता ही नहीं होगा कि यहाँ पे एक लेट्स से होंडा सिटी खड़ी भी है। तो दैट काइंड ऑफ फीलिंग इवन इन स्कॉर्पियो समवन इज सिटिंग, तो वैसे ऊपर करके ऐसे ऊपर करके देखता राइट। तो मेरे ख्याल से अगर फॉर्च्यूनर साथ में जाती है दीपक तो भी नीचे होता है, हल्का सा नीचे होता है, किसी नीचे हल्का सा नीचे रहता है। अगर फॉर्च्यूनर चल रही है उसके पीछे गुरखा चल रही है तो फॉर्च्यूनर पूरी छुप जाती है उसके पीछे, तो इट्स दैट काइंड ऑफ आई थिंक रोड प्रेजेंस पर्सपेक्टिव से। दीपक, जब आप ड्राइव करते हैं तो ये एडवांटेज कहीं आपके लिए कुछ डिसएडवांटेज नहीं बनता है, जो दूसरी गाड़ियों को देख कई बार ना दिख पाना या कुछ ऐसी चीजें जो हो सकता है कि किसी तरह के कोई एक्सीडेंट या मिसहैप होने का कोई डर रहता हो? नहीं, इनफैक्ट मेरे को वो एडवांटेज ही लगता है, क्योंकि अगर सामने जैसे कई बार आपने देखा होगा कि फॉग के टाइम पे गाड़ियाँ एक के पीछे एक, एक के पीछे एक लगती चली जाती हैं, तो अगर और भी नॉर्मल जो एक्सीडेंट्स अगर आप देखते हैं तो आगे छोटी गाड़ियों को नहीं दिखता कि एक्सीडेंट हुआ है क्या हुआ, वो भी सीधा जाके उसमें क्रैश होता है, तो इसमें हाँ इसमें दूर से दिख जाता है। दीपक ये कह रहे हैं कि दूर से दिख जाता है तो वो अपना रास्ता पहले ही बदल लेते हैं, तो ये एक एडवांटेज हो जाता है, सुपर एडवांटेज है यार। डिसएडवांटेज भी है एक, हाँ, आप पार्किंग लॉट्स में नहीं जा सकते, वो क्योंकि इसकी हाइट बहुत ज्यादा है, ऊपर से रूफ रैक लगा है तो जो पार्किंग लॉट्स होते हैं हाँ वो बेसिकली 8 फुट या 8.5 फुट तक होते हैं, उसके बाद उसके अंदर मतलब वो गवर्नमेंट पास करके देती है उस हिसाब से कि गाड़ी जा सकती है उसके अंदर, बट वो उसके बाद उसके अंदर फायर एक्सटिंग्विशर लगा देते हैं, कुछ लगा देते हैं, ऊपर से लाइट्स लगा देते हैं, तो नहीं जा पाते आप उसके अंदर। बहुत बार हुआ है मेरे साथ हॉस्पिटल्स में एंड मॉल्स में। हाँ करेक्ट, जनरली वो बहुत लो जो लो होता है, गुरखा कैन नॉट गो देयर फॉर श्योर। चलिए ठीक है, बाकी डैशबोर्ड वगैरह की बात करें, अंदर इंटीरियर्स की बात करें। हाँ जी, सो अभी हम लोगों को एसी चलाए भी 2-3 मिनट हो गए हैं, तो कूलिंग की बात करें अगर। हाँ, कूलिंग इज नॉट बैड, बट इफ आई कंपेयर इट विद Isuzu, देन Isuzu हैज नेक्स्ट लेवल। मतलब अभी तक आगे वाला बंदा ऑलरेडी विद द वेदर दैट वी आर इन, तब तक जैसे मैंने स्लीवलेस एक टी शर्ट पहनी है तो वुड हैव ऑलरेडी स्टार्टेड फीलिंग कोल्ड। अच्छा, एंड आई थिंक इसमें क्लाइमेट कंट्रोल भी नहीं है, सो इट्स तो बेसिकली रीजन यही था ये पहनने का कि पूरा टेस्टिंग हो जाएगी कि एसी कितना इफेक्टिव है। सैंडो पहनने का रीजन या, या। तो अभी ठंड भी लगा सकता हूं, मतलब हाँ, मैंने वो ठंड भी लगा सकता हूं, यूज नहीं किया, सो नो दैट्स माय फर्स्ट दिस थिंग। हां, आई गॉट इट। हां जी, उसके अंदर बेसिकली एक एसी मैक्स का एक ऑप्शन है, सो वहां पर एसी मिन, हां एसी मैक्स का, हां इफ यू प्रेस इट तो इसका अच्छा सर लाइक अ बूस्टर, हां बूस्टर काइंड ऑफ अ थिंग है। ओके ओके, ये आई हैव नेवर सीन दिस इन एनी वीडियो और एनीथिंग। अच्छा, ये बूस्टर वर्जन नोबडी हैज टॉक्ड अबाउट इट। अच्छा, तो ये बेसिकली जो है यहाँ पे आपको ठंड लगाने के लिए, अब आपको ठंड लगाएंगे। हां जी, ठंड लगाएंगे। नहीं नहीं सर, चलिए आप हैरी स्टार्ट कीजिए। करें स्टार्ट? ओके जी, ओके। मतलब जैसा लग रहा है कि है ही नहीं, सो स्मूथ, क्लच बहुत सॉफ्ट है, डेफिनेटली मैंने भी इसको ड्राइव की थी, दिस काइंड ऑफ गाड़ी बचा लेना है मॉन्स्टर, और दिख रही नहीं होगी आपको, लगी है पहले जो गुरखा आती थी उसमें जो इंजन था वो BS4 था, 150 BHP की देता था और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता था। अभी इन्होंने द पावर हैज बीन रिड्यूस्ड, व्हाई डिड दे रिड्यूस, टॉर्क हैज बीन इंक्रीज्ड। हैरी, हां, व्हाट डू यू फील अबाउट ब्रेकिंग? ब्रेकिंग, लेट मी जस्ट शेयर दैट इन अ व्हाइल, बिकॉज़ आई थिंक इट लैक्स समवेयर। ब्रेकिंग से ज्यादा आई थिंक पिकअप इज ऑलमोस्ट, वो तो है ही, इट डजंट गिव यू अ पुश बेसिकली। नो, आई मीन फॉर अ कार लाइक दिस जो बाहर से लुक्स लाइक यू नो गॉड, आई वुड से लिटिल अंडर पावर्ड इज व्हाट आई फील। इसका डेफिनेटली अगर
वही 130-140 BHP होता तो आई थिंक दैट वुड हैव मेड द कट. या दीपक, आई सॉ योर इंटरव्यू, इट वाज वेरी नाइस एंड यू स्पोक अबाउट, अमन पाजी ने पूछा आपको क्या दिखता है, जो ऐसा कौन सा ज्ञान है जो उनको बाद में पता चलेगा, आपको पहले पता चल गया. दुनिया को नहीं देखता. सो दैट इज वेरी नाइस थॉट बाय अमन एंड आल्सो बाय दीपक काउंटरिंग इट. तो इट वाज फन इंटरव्यू एक्चुअली. सी समटाइम्स जैसे ये बूस्टर मोड था, ये आज तक आई हैव सीन हंड्रेड्स ऑफ गोरखा रिव्यूज एंड थार, बिकॉज थार लेने से पहले आई वाज लिटिल दिस थिंग कि गोरखा लूं कि थार लूं, यू नो आई वाज वॉचिंग मेनी वीडियोज, बट किसी ने भी इसके बारे में बात नहीं करी एक्चुअली. सो दैट्स अ नाइस थिंग. अच्छा एक चीज और यहाँ पे जो मेंशन करूंगा मैं, कि जो हैरी का हमारा इसुजु का वीडियो था उसमें ऑफलाइन हैरी ने अपनी एक वो जाहिर की थी कि मुझे गुरखा ड्राइव करनी है. डेफिनेटली थैंक्स थैंक्स अमन भाई. हमने आज ये प्लान किया था कि हैरी विल बी ड्राइविंग गुरखा, बिकॉज उनको एक ड्राइव एक्सपीरियंस करना था गुरखा के साथ. हाँ जी. तो आप थोड़ा सा इसको एक एक्सीलरेट करके देखिए. हाँ, इतना पता चल गया मुझे. यू आर आस्किंग दीपक, आई थिंक ब्रेकिंग में तो जैसे रॉयल, बिकॉज आई हैव few Royal Enfield bikes also. अच्छा, तो हाँ तो उसमें जो एक मतलब पुरानी Royal Enfield, हाँ, आजकल की नहीं, हाँ, तो उसमें जो एक थोड़ा सा you have to be careful and mindful of, या you need to be set your timings basically, and आप किसी और को गाड़ी देते हो तो उसको basically train करके भेजना पड़ेगा भाई इस पे, बता दो पहले, बता के कि हाँ ब्रेकिंग को ये. That's why I guess आपने भी मुझे बताया. तो वो आपको बताना, वो आपको ये देखना पड़ेगा कि मुझे वहाँ पे ब्रेक लगाना है. आप किसी फ्रेंड को दे दो कि जा तू गोवा हुआ. हाँ, वो आपको एक बार उसको ज्ञान देना ही पड़ेगा कि इसको थोड़ा सा रिस्पांस देने में हल्का सा टाइम, एक थोड़ा लैग देती है, लैग थोड़ा सा लैग है. ऐसे होता जो पुरानी थार में दो बार प्रेस करना पड़ता था, तो उस टाइम मेरे पास है क्लासिक 350. अच्छा, तो मेरे को तो आदत ही थी ऐसे ब्रेक पैडल की. एग्जैक्टली, देखो आई थिंक वो हम सेम फ्रेटर्निटी से हैं, तो हमें एडवेंचर व्हीकल्स पसंद है एंड दे कम विद देयर ओन यू नो डाउनर डाउन पॉइंट. एक्चुअली एडजस्ट अकॉर्डिंग टू योर कार, एक्चुअली एडजस्ट द कार वोंट एडजस्ट. हां, अब आपने भी इसके 17 लाख रुपए खर्चे हैं, तो इट्स नो जोक, राइट? करेक्ट. तो बट एंड यू आर ओके लिविंग विद द प्रॉब्लम्स दैट. तो फटाफट से बताओ कैसा लगा चला के ओवरऑल? हाँ, ओवरऑल मतलब बहुत छोटा डिस्टेंस था ओवरऑल, बट बता सकते हो रोड रोड प्रेजेंस, सीटिंग, यू नो एक्सपीरियंस, क्लच, एवरीथिंग, दीज आर द बेटर पार्ट्स. हाँ जी, आई थिंक ये बूस्टर मोड भी अब काम कर रहा है मेरे ख्याल से, सो दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव. जो वो है अपॉर्चुनिटी, आई थिंक इवन फर्स्ट गियर सेकेंड गियर मतलब It felt underpowered to me. Even जब दीपक अगर इसुजु चलाएंगे तो उनको भी opportunities दिखेंगे उसमें, क्योंकि obviously that's a different, क्योंकि वो used तो नहीं है उसके, तो वो ये है. चलिए ठीक है, final अगर इसको करते हुए अगर इसको मैं आप rating की बात करें, तो Harry आप इस गाड़ी को 10 में से कितनी rate करेंगे? In front of दीपक? बिल्कुल बिल्कुल सर, सामने आमने सामने हो जाना चाहिए ना. आ जाओ. I mean अगर सिर्फ rating करनी है, maybe I'll give it 6.5. इट कैन बी, हाँ मतलब आई मीन 7 मे बी, इतना 7 मेरा लकी नंबर भी है, सो या 7 आई वुड से. जो रीजंस हैं, जो रीजंस ऑनेस्टली बट ऑब्वियस है, इट अगर ये होगी तो मेरी इट विल बी माय थर्ड कार, लाइक यू नो. सो मतलब तीन गाड़ियों में आपकी थर्ड प्रेफरेंस होगी ये. हाँ, अगर प्रेफरेंस इज द राइट वर्ड ना, बेसिकली प्रेफरेंस इज द राइट वर्ड. ठीक है, या सो अभी इन तीनों गाड़ियों में, तो अगर हैरी को गुरखा लेनी है तो एक और नया वर्जन वेट करना पड़ेगा. एक वर्जन 100% अपडेट, बिकॉज एवरी ऑटो मैंने आज तक, प्राइस वेरिएशन भी तो बहुत है ना, प्राइस वेरिएशन बहुत है, आई एग्री. अगर वो था बट आपके पास थार और गुरखा के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है इस कैटेगरी में. एंड आई थिंक सॉरी मे बी पीछे नहीं बैठा मैं, आई थिंक पीछे आई थिंक इट्स अ ड्रीम टू वॉक इन एंड वॉक आउट एंड लाइक कैप्टन सीट्स आर अमेजिंग. तो या आई थिंक आई विल टेक बैक माय वर्ड्स एंड गिव 7.5, क्योंकि मैं पीछे नहीं बैठा. नीड टू टेक बैक योर, या नो आई विल, क्योंकि ना सिर्फ अपने ड्राइविंग एक्सपीरियंस से. चलो मैं 7.5 कर दूं, 7.5 कर दो. हां जी 7.5 इज ठीक है, ठीक है या चल, यहां इसको यहां फिनिश करते हैं और अपनी थर्ड ड्राइव पे चलते हैं.
सो वी आर इनसाइड इसुजु नाउ और हमारे साथ हैं इसुजु के ओनर हैरी और आगे ड्राइविंग सीट पे है अखिल. सो अखिल विल बी शेयरिंग हिज थॉट्स व्हाइल ड्राइविंग द कार. अखिल, सबसे पहला अगेन द सेम क्वेश्चन, फील स्टीयरिंग सीट इंटीरियर डैशबोर्ड कैसा फील आ रहा है आफ्टर ड्राइविंग तक? जी स्पेशियस है ये तो, महिंद्रा से थार सेट इज मच मोर स्पेशियस. डैशबोर्ड आई फाइंड दैट अ लिटिल मोर कंफर्टेबल, मे बी बिकॉज़ आई हैव बीन ड्राइविंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ, अ लिटिल मोर मॉडर्न देन दिस. सीट इज कंफर्टेबल. लेट्स टॉक अबाउट द केबिन साउंड फर्स्ट. केबिन साउंड, साउंड तो यार मैं कहां थार से कन्वर्टेबल से कंपेयर करूंगा, उसमें तो साउंड ही साउंड आती है बाहर से. But cabin is nice. It's spacious and easy seating. Drive is comfortable, but again the sound of the diesel engine is something that Thar has been able to do away with. अगर आप अभी Thar में बैठेंगे diesel वाली में, उसमें आपको आवाज नहीं आएगी जितनी इसके engine की आवाज आ रही है. So basically Thar has more refined engine than this one. You want to say this? Sound wise, I don't know. Refinement की बात नहीं कर रहा हूँ. Technically वैसे yes, sound wise इसकी sound ज़्यादा है. This is one of the reasons. अच्छा ये right person है इस question को करने के लिए, because he owns both. उसका वो सबसे बड़ा एडवांटेज है उसके डीजल इंजन का, की उसकी आवाज नहीं आती. इवन अगर आप टाटा की हैरियर चलाएंगे नई वाली, दैट आल्सो हैज अ सिमिलर ग्राउल. एंड अखिल, आप अपनी प्रीवियस वीडियो के कमेंट्स नहीं देखकर आ रहे हैं फिर. तो अखिल ने अपने प्रीवियस वीडियो में ये चीज वो मेंशन करी थी कि मैंने जब हैरियर के ड्राइव की लगी तो मुझे एक ट्रक जैसी फीलिंग आई. हैरियर आई थी, मैंने वो भी ट्राई करी जी. जब मैं टाटा हैरियर में बैठा तो मुझे तो ट्रक जैसी आवाज आई उसके अंदर. वो जो ट्रक वाली जो पंच लाइन थी ना, वो लोगों ने पकड़ ली थी. इसकी इंजन में पावर अच्छी है, इट सीम्स टू हैव अ गुड पिकअप. दैट इज नाइस. दैट इज टचिंग 80,000, सो जस्ट अबाउट टू गेट सर्विस. आई थिंक वी ओनली डू बेटर आफ्टर. सो 80,000 के बाद भी जो है इतना पुश इंजन से आपको मिल पा रहा है, और ये इंजन बेसिकली इसुजु के इंजन माने जाते हैं 5-5 लाख किलोमीटर के. हां जी, 40 लाख ऑन पेपर्स. अच्छा, बट या 5 लाख. अपार्ट फ्रॉम द साउंड, बाकी पिकअप वगैरह बहुत अच्छा है, ड्राइव बहुत स्मूथ है. इसका स्टीयरिंग इज स्मूदर देन माय थार स्टीयरिंग. उसका स्टीयरिंग थोड़ा हार्ड है. गियर शिफ्टिंग इज वेरी कंफर्टेबल. आई हैव एन इनोवा एट होम, दिस सीम्स टू बी मोर कंफर्टेबल देन द मैनुअल इनोवा आल्सो. थार से अगर बात करें, हम कंपेयर करें, कैबिन कूलिंग कितनी इफेक्टिव है? यार बहुत बहुत अच्छी लग रही है कैबिन कूलिंग. कैबिन कूलिंग मुझे उसमें भी इसलिए इशू नहीं आता क्योंकि मे बी उसका कैबिन छोटा है इसलिए. But the cabin cooling is very effective in this also. This is a bigger cabin and still having this kind of cooling is pretty impressive. Plus, abhi jaise we went over the speed breaker and all that, the transition was pretty smooth. Koi jerking nahi hai, jhatka nahi hai. Even honestly speaking, hume pata bhi nahi chala. Haan, it is speed breaker. Pretty comfortable. Big, yes, sir. Like pretty big one. Yeah. And how is it on long drives? Longest non-stop I've done is from Goa to Delhi, 40 hours. Oh, wonderful. Two drivers, 40 hours. The next one was from Nepal capital to India, Kathmandu to Delhi, non-stop in 24 hours with a bike loaded and four people and पीछे सात आठ लोगों का सामान. I done Nepal few times, Bhutan once. Next transition was actually Thailand in 2020. Have you done Leh? Oh yes, many times. Excellent. Leh and Spiti, Sach Pass. Brilliant, yeah. Sach Pass. Your drive is very comfortable, gear shift is fantastic, steering is good, pickup is very nice. The only problem is the sound of the engine, which I am not too comfortable with. Okay. And personally. What about the vibrations? There's no vibrations. There are no vibrations. We're sitting pretty comfortably. Gear knob or on the pedals? No. Any sort of vibrations? No. ठीक है. Normal है. Nothing that a normal diesel vehicle does not have. 10 में से points क्या देंगे? I think I'll give it 8.5, man. The only reason I'm reducing points is the sound of the engine, which is coming inside the cabin. हाँ जी हाँ जी. यहाँ इसको end करते हैं और अब मिलते हैं सीधा off-roading zone में, जो हमारा आज का main highlighted है. Boom.
अब बढ़ते हैं लास्ट कंक्लूजन की तरफ। और जो दीपक ने चैलेंज एक्सेप्ट किया ना, कमाल है, बड़ी हैट्स ऑफ ब्रो। पिट जो था वो इट वाज एक्चुअली अ डेंजरस वन। दोनों ने चीटिंग करी, वाइन की नहीं निकल सकती थी।